हेलो व्यूअर्स, आज की रेसिपी में बनाएंगे गुलाब जल। तो गुलाब जल बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है और उसको हमारा जो ये बोरोसिल का कैटल है उसमें डाल देते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4 गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ। तो उनको अच्छे से हमने वाश कर लिया है। अब इसे हमने 10 मिनट के लिए लो हीट पे उबलने को रखना है। तो गाइस, इसे हमने गैस चूल्हे पे रखा है, इसे 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए, हमारा रोज़ वाटर तैयार है। इसकी पत्तियों का कलर पानी में आ चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, ओरिजिनल हमारा रोज़ वाटर रेडी हो गया। अब इसको किसी भी बॉटल में, स्प्रे बॉटल में या जिसमें भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा रोज़ वाटर रेडी है। तो अभी इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हमारी स्प्रे बॉटल है, इसमें हमने पहले भी रखा था रोज़ वाटर, तो इसमें हमने रख लेना है। सो गाइस, ये देखिए, अभी हमने इसको बॉटल में रख दिया है। और अगर आपके पास ये ग्लास का केटल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पैन में भी आसानी से बन जाता है। तो इसे ज़रूर बनाइए, बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही यूज़फुल है। घर का साफ़ सुथरा गुलाब जल बिना किसी एसेंस के, मिलावट के। सो गाइस, अगर आपको हमारे गुलाब जल बनाने का, रोज़ वाटर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।